कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब है वो लोग जो हर हाल में खुश है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ों की जो फेमस दालें होती हैं, किस तरह से दालें होती हैं। ये मैं तुम्हें ले चलता हूँ शॉप में। तो गाइस, मैं हूँ मेहता वेजिटेबल शॉप में। तो ये देख लीजिए, हमारे भैया हैं। तो ये हमेशा पहाड़ी दालों का ही ज्यादातर बिजनेस करते हैं। तुम्हें पता है कि पहाड़ों में दालें काफी फेमस है। पहाड़ी इतने ज्यादा स्वस्थ क्यों है? क्योंकि हम इस दालों को खाते हैं। देख लीजिए आप, ये दालें हम खाते हैं रोज दिन में, अपने लंच में, कभी डिनर में भी खा लेते हैं। तो गाइस, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पहाड़ी दालें दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये पहले हम स्टार्टिंग करते हैं गोहत। ये आपने देखे होंगे, ये गोहत है, हेल्थी के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। और इसके जो तुमने डुबके देखे होंगे, डुबके, गोहत के डुबके बहुत फेमस है हमारे पहाड़ों में, कुमाऊं में। अब बात करते हैं ये व्हाइट वाली मुंशारी की राजमा है, देख लीजिए मुंशारी की राजमा। और ये हमारे भांग, भांग की तुमने चटनी खाई भी, खासकर नींबू के साथ जो खाई जाती है वो ये चटनी है, यहाँ पर भांग की चटनी। और ये देख लीजिए हमारे ये रेड वाले, ये मुंशारी का रेड वाला राजमा है। इसको खाने से आप देखोगे आजकल बहुत से लोगों के एसिडिटी, ये चीजें नहीं होती, गैस नहीं होती। और ये ब्लैक वाले हमारे बट डुबके के काम आते हैं। तुमने देखा होगा जिन लोगों को भी जॉइंट यानी पीलिया होता है, खासकर ये हमारा हार्ट और हमारा लीवर ये साफ करता है पूरा, काफी अच्छा होता है। और ये भंगीर, भंगीर एक क्या यूज होता है? चटनी के लिए यूज होता है भंगीर भी, देख लीजिए। और जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये तो धनिया, ये पहाड़ी धनिया एकदम शुद्ध खेतों में उगाया जाता है। धनिया हर कामों में यूज होता है। तुम देखोगे मसाले जितने भी आपके मसाले होते हैं उसमें धनिया का हमेशा यूज होता है। तो मैं अब जस्ट आपको दिखाता हूँ एक एक चीज करके। पूछ लेते हैं भैया सब अच्छे से, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने अभी दालों का कराया, भैया से थोड़ा अच्छे से पूछ लेते। तो गाइस, मैं तुम्हें नमक दिखाने से पहले एक गाना गाता हूँ यार, तुमने पहाड़ी में सुना होगा। लूण रोटा खूला पहाड़ में बसी जूला, लूण रोटा खूला पहाड़ में बसी जूला। आज तो तुमने व्हाइट ही नमक देखा होगा यार, व्हाइट और ब्लैक ही नमक, और बाकी नमक तुम्हें पता भी नहीं होंगे। खासकर कितनों को तो पहली बार पता चल रहा होगा कि नमक कितने फ्लेवर के नमक होते हैं। मैं खुद आज फर्स्ट बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर में व्हाइट ही नमक देखा और ब्लैक, दो ही नमक देखे हैं। आज मैं अलग अलग फ्लेवर के नमक दिखाता हूँ, उनके रेट पूछ लेते हैं। ये गंगराणी काला जीरा है 100 ग्राम का, 120। ये देख लो, गंगराणी काला जीरा है 100 रुपए का, ये पैकेट मिलेगा यहाँ आपको 100 ग्राम का 120 रुपए का। नेक्स्ट भांग का नमक है, उसमें क्या ये तुम्हारा 60 रुपए का है, 60 रुपए का 100 ग्राम का, ये भी देख लीजिए पैकिंग आपको। ये गंगराणी काला जो जिस रेट का जिस टाइप का सामान पड़ा था उसी हिसाब से रेट मिलेंगे। देख लीजिए तिमूर का है 80 रुपए का है, लेकिन 100 ग्राम का ही होगा ये भी पैकेट, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देख लीजिए सब हेल्दी नमक मिलेंगे आपको, कभी भी आपको नमक यूज चाहिए होंगे यहाँ पर मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा भैया का। ये देख लो हींग जीरा, ये भी 100 रुपए का है, 70 रुपए का है 100 ग्राम का। तुम्हें यहाँ करीबन 25-30 वैरायटी के तुम्हें नमक मिल जाएंगे यहाँ पर, देख लीजिए। हाँ, 60 रुपए से लेके 120 रुपए तक के यहाँ पर रेट रखे गए हैं। खासकर यह तुम्हारा अदरक का, जिसको एक हिमालय पूरा फुल फ्लेवर इसमें मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। जो देख लीजिए, जो अभी मैं भंगीरा दिखा रहा था उसी की जो चटनी के लिए जो नमक यूज होता है वो ये यूज होता है। ये देखो भांग एकदम पीसा हुआ, एकदम फुल मिक्सी से जो पीसा जाता है, हाथ से भी इसको पी सकते हैं, सिलबट्टे में भी पी सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट ये देख लो, उच्च हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है तिमूर है, ये तिमूर जो कि जोड़ों के लिए, हमारे पैरों के लिए, हाथों के, हर चीज के लिए, इसका सूप, ये देख लीजिए इसका सूप, चाय, मेहता भैया में सब बता रहे हैं इसके बारे में। देख लीजिए सूप, चाय, खासकर चाय, जैसे कभी आपको जुकाम हो जाता है तुम इसको मुंह में भी चबा सकते हो, ये काफी हेल्दी माना जाता है, हेल्थ के लिए, हर चीज स्वास्थ्य के लिए हम जो भी चीज दिखा रहे हैं काफी आपको सब हेल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ देख लीजिए भैया के, वहाँ तुम्हें मेहता भैया शॉप में, वेजिटेबल शॉप में हर वैरायटी के, जो भी तुम्हें वैरायटी का चाहिए यहाँ पर वो मिल जाएगा। देख लीजिए पहाड़ी पीसी नून है, हींग जीरा आपने देखा होगा, खासकर पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हेल्दी माना जाता है।
ये देख लो गार्लिक ग्रीन चिली जो आपने देखा होगा, ये खास कर लहसुन का जो नमक होता है, लहसुन का पहाड़ी पिसा हुआ नमक मिला है। देखो ये पहाड़ी पिसा हुआ नमक, ये खास कर तुम देखते हो अपने सैलेड के साथ, जो सलादों के साथ तुम खाते हो इसको, और खास कर तुम देखते हो काफल में जब मिक्स करते हैं, और जितने भी आपने अपने घर में कुछ जम्मू गदरैनी है, ये गदरैनी है, इसका नमक भी मिल जाता है अगर तुम, ये देख लीजिए बगल में नमक भी है, ये गदरैनी का नमक है एकदम। सारे जैसे कि नमक को पहाड़ी में लून कहते हैं, तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक से एक वैरायटी के यहाँ पर नमक है। ये देख लीजिए जम्मू गदरैनी, खासकर हिमालय क्षेत्रों में, हमारे कुमाऊनी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये देख लो ऊंचाई में ज्यादा, जितनी भी ऊंचाई होती है वहाँ ये नमक पाए जाते हैं। आपने हरा जीरा तो देखा होगा, लेकिन ये काला जीरा मैं तुम्हें पहली बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए काला जीरा का भी अगर तुम्हें नमक चाहिए, उच्च हिमालय क्षेत्रों में जितने भी है सब, ये टाउन एरिया में लगते नहीं, ज्यादातर जितने भी आपको मिलेंगे ठंडे एरिया में और उच्च हिमालय क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। जैसे मुनस्यारी मैंने आपको दिखाया, मुनस्यारी एरिया जो ऐसी है पहाड़ी क्षेत्र, जो वहीं से सारे नमक हमें मिलते हैं यहाँ। ये देख लीजिए ये छौका लगाने के काम आता है, जब दाल तुम्हारी पूरी परफेक्ट बन जाती है, जो लास्ट में जख्या ही काम आती है। देख लीजिए आलू में भी यूज होता है, जितनी भी आपके घर में वैरायटी सब्जियां बनती होंगी हर चीज में इसका यूज होता है, जख्या देख लीजिए। सब मैं तुम्हें यहाँ पहाड़ी आटा दिखाऊंगा, देख लीजिए जो पहाड़ों में उगता है, खासकर ये मडवे का आटा, आपने मडवा सुना होगा, इसके बिस्किट भी खाए होंगे आपने हर दुकानों में, जो पहाड़ों में काफी फेमस है मडवे का आटा, मडवे की रोटी कहते हैं ना। और एक हमारा चावल का आटा है, देख लीजिए चावल का आटा, खासकर इसका प्रसाद बनता है जब कुछ आपके घर में त्यौहार होता है, खासकर इसी चीज का प्रसाद बनता है। देख लीजिए चावल का आटा है, जो हमने धनिया दिखाया था, देख लीजिए ये पिसा हुआ धनिया है, ये हमारे पहाड़ों में ही उगता है धनिया, सारा ऑर्गेनिक ही है। ये भी देख लो पहाड़ों की लाल मिर्ची है, खासकर यही उगाई जाती है, और उसके बाद ये सब ऑर्गेनिक के सामान आपको मैं सारा दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप एक एक करके यहाँ पर। तो गाइस मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ मेहता वेजिटेबल शॉप में नई नई वैरायटी के, तुम्हें पहाड़ी जितने भी आप दालें हैं, हर चीज जो भी आपने पहाड़ों में सुना होगा नाम, सारे मैंने आपको दिखा दिए। जितने भी सीजन में तुम देखते हो सब्जियां और दालें और आटा चावल, जो भी सीजनों के हिसाब से चलता है, मैंने आपको सारा दिखा दिया है। अभी मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, देख लीजिए नई नई वैरायटी के। तो गाइस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यह जो देख लीजिए पूजा पाठ में हमेशा यूज होता है, ये देख लीजिए कोई भी घर में तुम्हारी पूजा होगी तो जौ का पक्का यूज होता है। ये यह है तिल, ये पूजा के काम भी आता है, इसके तुम लड्डू भी बना सकते हो, ये सारी हेल्दी फूड में बहुत ज्यादा यूज होता है तिल। ये देख लो तिमूर, इसको पहाड़ी में झोल कहा जाता है, जो की सूप के तरह बनाया जाता है, तुमने देखा होगा। तो ये हमारा जुखाम खांसी जुखाम जो भी होता है हमेशा दूर करता है, देख लीजिए तिमूरे इसका, देख लीजिए इससे नमक चटनी सब चीज बनेगी तुम जब भी देखोगे। हाँ जो दिखाया था, तो क्या तुमने मेथी तो देखी होगी, इसकी सब्जी भी बनती है, और खासकर इसके आपने मेथी के लड्डू के बारे में भी सुना होगा, और तुम इसको देखोगे कभी इसको भिगा कर अगर तुम इसका पानी पीते हो और इसके दाने चबाते हो, तो उससे तुम्हें कभी शुगर नहीं होगा, क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो खान पान, अगर लोगों का खान पान छूट रहा है तो उससे बहुत सी बीमारी हमें लग सकती है, लेकिन अगर तुम पहाड़ी दालें खा रहे हो, पहाड़ी चीजों में ज्यादा तुम्हारा ध्यान है खान पान में, तो तुम कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा फिट रहोगे। तो तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूँ, देख लीजिए आपने बहुत से कोयले तो देखे होंगे, आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ चीड़ की पत्तियां, जो पिरूल से बना धुआं रहित कोयला, कोयला जो आपने देखा होगा मार्केट में, बहुत से कोयले मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, एकदम पॉल्यूशन फैला देते हैं। तो गाइस तुम देख सकते हो 1.5 से 2 घंटा जलेगा सिर्फ मात्र 20 रुपए का, इतना बड़ा सा कोयला, और तुम मार्केट में करीबन 1-1.5 किलो का लग रहा है मुझे, और कोयला अगर तुम मार्केट में लोगे वही करीबन 60-70 रुपए किलो मिलता है। आप देख लीजिए 20 रुपए का कोयला, तो आप आइए और ले जाइए, और अपने परिवार अपने मोहल्ले को और अपने पर्यावरण को हमेशा शुद्ध रखिए, काफी अच्छा कोयला है। गाइस मैंने तुम्हें दालें भी दिखा दी हैं और मसाले भी दिखा दें जो कि हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे हैं, तो आइए अब हम इसका रेट आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको कभी लेना होगा मेहता वेजिटेबल शॉप में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप तुरंत अगर तुम्हें रेट पता चल जाएंगे आप एक एक करके हम पता कर लेते हैं। ये देख लीजिए पहले मैं शुरुआत कर, यह लाल मिर्ची कॉस्ट कितनी है इसकी,
ये देख लो लाल मिर्ची कॉस्ट है 250 रुपए एक किलो यहाँ। ये गोहत है, आपने देखा होगा आपके घरों में गोहत, गोहतों की दालें काफी फेमस है अल्मोड़ा शहर में हमारे। ये 140 रुपए किलो है। ये मुंशारी की राजमा है, ये देख लो 220 रुपए किलो चल रही है मुंशारी की राजमा यहाँ हमारे अल्मोड़ा शहर में। और जो जूसी रेड वाली राजमा है ये 300 रुपए। ये देख लो रेड वाली जो राजमा है 300 रुपए किलो है, देख लीजिए। मेडिकली बहुत बढ़िया माना जाता है इस के लिए। हाँ ये क्योंकि हेल्थ ये काफी अच्छा माना जाता है हमारी हेल्थ के लिए, और खासकर गैस आजकल तुम देख रहे हो छोटे से लेके बड़े तक, क्योंकि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो जिससे उनको गैस हो जाती है। अगर वो रेड राजमा खाएंगे तो उससे उनकी हेल्थ हमेशा, ये गैस है इसकी जो आजकल एसिडिटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये है बट, देख लीजिए चपटे बट एकदम ब्लैक कलर के, क्योंकि दो टाइप के बट होते हैं ना, एक तो व्हाइट वाले होते हैं एक ब्लैक वाले होते हैं। हम ब्लैक वाले आपको दिखा, 130 रुपए। ये 130 रुपए किलो है, देख लीजिए ब्लैक वाले बट। खासकर जिसको भी पीलिया होता है, जॉइंटिस हो जाता है, उसका लीवर हमेशा मजबूत बनाता है, वो है तुम्हारा बट। इसको तुम तवे में गर्म करके भी खा सकते हो, ये काफी हेल्दी माने जाते हैं बट हमारे। और ये ये देख लीजिए भंगीरा है, इसके रेट 60 रुपए का 250 ग्राम है। आप मान लो यानी 240 रुपए किलो है भंगीरा हमारा। और धनिया भी वही है, धनिया ये लोकल का पहाड़ी धनिया है, ये सब ऑर्गेनिक है। इसका रेट कितना है? ये भी सेम 240 हमारे भंगीरा के बराबर, उसी रेट में मिलेगा आपको। और ये भांग के लिए चटनी, खासकर देख लीजिए आप शिवरात्रि आ रही है, तुम देखोगे हर जगह भांग, बहुत से लोग इसका भंगोटा पीना पसंद करते हैं। नहीं है हो, चाहे यहाँ हो, चाहे अल्मोड़ा, चाहे पलेंसे में हो, शिवरात्रि में, होली में, तुम देखोगे खास का यूज होता है भंगोटा, जो शिव जी के जितने ही भक्त होते हैं यूज करते हैं। ये 160 रुपए किलो है, खासकर प्योर भांग है, देख लीजिए इसकी खुशबू यहाँ तक ही आ रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी खुशबू काफी मेरे बहुत दूर तक आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है खुशबू सुन के, क्योंकि पहाड़ी दालों के बीच में मैं घिरा हुआ हूँ। आप देखोगे अलग ही अलग खुशबू आ रही है हर दालों में। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पहाड़ी बड़ुए का आटा है, खासकर तुम देखोगे बिस्किट, आजकल जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे और जितने भी बड़े तुम दुकानदार, तुम देखोगे इसी चीज का अपनी बेकरी में यूज कर रहे हैं, खासकर मडुए के आटे की बिस्किट, क्योंकि ये सब हेल्दी बिस्किट बन रहे, इससे नमकीन बन रहे हैं। तुम देखोगे बाहर के विदेशी जितने भी आते हैं पर्यटक हमारे अल्मोड़ा शहर में, खासकर मडुए के बारे में, और तुम देखोगे बीच में दीपिका पादुकोण लोग भी आए थे, और जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं सैलानी लोग हमारे पहाड़ी व्यंजनों का ही ज्यादा स्वाद लेते हैं। बीच में बहुत पहले राष्ट्रपति भी आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने हमारा अल्मोड़ा आकर यही खाए थे, मडवे की रोटी होगी, हरी सब्जी है, भांग आंग सभी यूज करते हैं हमारे जो भी अल्मोड़ा शहर में आता है। अब यह तुम्हारा चावल का आटा देख लीजिए, खासकर चावल का आटा, ये 50 रुपए किलो है, देख लीजिए। और आटे तुमने रोटी बना सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं, काफी फेमस है ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत, गांव शहर तुम चल जाइए यहाँ उतने, वहाँ तुम देखोगे ये चीला बना के खाते हैं वहाँ के लोग, इसमें काफी अच्छा होता है, काफी टेस्टी होता है, तुम इसको खाओगे खासकर बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए भी। और पहाड़ी घी में, घी तुम कोई सा भी यूज करते हो, चाहे तुम पहाड़ी घी करो देसी लेकिन बेटर, अगर तुम पहाड़ी घी यूज करोगे तो तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और काफी एक बार तुम खाओ के देखोगे इसको, हमारे यहाँ मेहता वेजिटेबल शॉप से लेके देखिए और अपने घर में खाइए बनाकर, काफी अच्छा माना जाता है, हेल्थी और काफी बहुत सुगंधित खुशबू आती है इसको खाने। तो गाइस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आपने बहुत से रायता खाया, देखो वैरायटी, जैसे कि मूली का रायता हो गया और ककड़ी का हो गया, खीरे का हो गया, बहुत से रायता की वैरायटी है, इसके बिना रायता अधूरा होता है। राई, अगर राई रायता में नहीं पड़ेगा तो रायता अधूरा ही माना जाता है, क्योंकि ये ज्यादा पौष्टिक होता है, इसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। तुम देखो खुशबू, राई की अलग ही खुशबू आती है, हर चीज में यूज होता है, तुम देखोगे जैसे किसी की नजर भी लग जाती है तो राई से ही उतारी जाती है, ये काफी औषधि, काफी अच्छा माना जाता है राई को हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे अल्मोड़ा शहर में काफी अच्छा माना जाता है राई को। तो गाइस अब मैं तुम्हें जम्मू गदरैन दिखा देता हूँ, खासकर तुम देखोगे मुंशारी, क्योंकि उच्च हिमालय में, क्योंकि जहाँ ज्यादा ठंड होती है वहीं इस तरह के तुम देखोगे हमारे खान पान, ये मसाले हमारे जम्मू, ये ओरिजिनल जम्मू है। तुम्हारे घर में कुछ भी तुम बना तो आलू से लेके आप सब्जियां दालें हर चीज में जम्मू का छौका पड़ता है। आप देखते हो इसको डालते हैं खाने में और इससे हमारी हेल्थ ही काफी फिट होती है, इसको खाने से चेहरे में बहुत ज्यादा चमक आती है, इसकी खुशबू काफी
तुम देखोगे काफी दूर दूर तक फैल जाती है अगर तुम खाने में डाल दो, कोई भी पहचान जाएगा कि तुम्हारे घर में क्या बना है। कि जम्मू की इसकी मात्रा, ये आटा भी थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा मात्रा आप डाल दो खाने में तो काफ़ी खाना तुम्हारा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर, पूरा टोटली फ्लेवर चेंज हो जाता है इसको थोड़ा सा डालते ही। तो गाइस अभी मैंने तुम्हें जम्मू दिखाई थी, अभी इसका एक दूसरा साथी है गदरैनी, आपने देखा होगा जम्मू गदरैनी, दोनों को मिलके आ जाता है ना। कोई सी भी दालों में सब्जियों में गदरैनी का भी यूज़ होता है, जैसा आप जम्मू का यूज़ करते हो जम्मू का, तो उसी तरह गदरैनी का भी यूज़ करते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर गदरैनी, यह हर चीज़, ये भी उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर पहाड़ों में पाई जाती है हमारे उत्तराखंड राज्यों में। तो गाइस ये भी जखिया देख लीजिए, ये भी जैसे जम्मू गदरैनी हमने दिखाया था, ये भी तुम्हारे छौक के काम आता है, जो भी तुम दालों में छौका लगा तो लास्ट में दाल पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो जखिया का यूज होता है लास्ट में, तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइस आज मैंने आपको दिखाया यहाँ की पहाड़ी दालें, जो हमारे अल्मोड़ा शहर पूरे पहाड़ों में पूरे विदेशों में फेमस हैं दालें। तो गाइस ये देख लीजिए बहुत वैरायटी वैरायटी यहाँ पर दाल, आज मैंने फर्स्ट बार भी देखी बहुत सी दालें, बहुत से नमक मैंने फर्स्ट बार देखे, जो कि देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस ऐसी मैं नई नई वीडियो आप तक पहुँचाते रहूँगा और लाते रहूँगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।